हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ लंदन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अमेरिका दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत मस्तिष्क सेरिब्रल पॉल्सी ऑटिज्म डेवलपमेंटल डिले सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक शहर के मेन रोड में ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट की कोशिश लुटेरे ने किए 5 फायर दुकानदार गंभीर रूप से घायल पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश कहा चुनाव आ गए हैं नजदीक भाजपा के हर झूठ का जवाब देना होगा अब शादियों की ए टू जेड एसेसरीज मिल सकेंगी एक ही छत के नीचे शहर में खुला वर पक्ष वधु पक्ष शोरूम देखिए ग्लोबल टीवी की खास रिपोर्ट और रविवार को शहर में हुआ अक्षत सम्मान समारोह अपने क्षेत्र में नाम रोशन करने वाली विभूतियों का हुआ सम्मान नमस्कार स्वागत है आप सभी का सिटी हलचल में मैं आपका आरुण दुबे आज की तमाम खबरों के साथ छिंदवाड़ा शहर के छोटी बाजार व्यस्ततम इलाके की मेन रोड में सोमवार सुबह 10:30 बजे लूट की वारदात का सनसनीखेज मामला सामने आया है लुटेरे ने ऑटोमेटिक कार्बाइन से 5 फायर भी किए जिसमें दुकानदार बुरी तरह जख्मी हो गया सोमवार सुबह जब मेन रोड स्थित दुर्गाश्री ज्वेलर्स के संचालक सोहन ताम्रकार अपनी दुकान खोल रहे थे तो अचानक एक युवक दुकान के अंदर घुस आया और दुकान में रखी ज्वेलरी सौंपने के लिए कहा दुकान संचालक ने जब विरोध किया तो युवक ने हवाई फायर शुरू कर दिए इस बीच सोहन ताम्रकार और उनके सहयोगियों ने लुटेरे को पकड़ने का प्रयास किया तब तक आसपास के लोग भी आ गए और लोगों ने लुटेरे की पिटाई शुरू कर दी लेकिन दुकान संचालक सोहन ताम्रकार को पेट और पैर में गोली लगी मामला बिगड़ता देख लुटेरे ने भागने का प्रयास भी किया लेकिन आसपास के लोगों ने उसे दबोच लिया पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची लूट का प्रयास करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया लूट की इस वारदात में जिस मोटरसाइकिल का युवक ने इस्तेमाल किया वह भी चोरी की बताई जा रही है पुलिस के मुताबिक इस बाइक का नंबर बदला हुआ है पुलिस मामले की जांच कर रही है इस बीच घायल दुकानदार को जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा ले जाया गया जहां से गंभीर हालत होने पर उन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया है छिंदवाड़ा में दिन दहाड़े हुई लूट की इस कोशिश से लोग सकते में हैं भैया फोन पे बात कर रहे हैं यार अधिकारी ऐसे
मैं सामने खड़ी थी, सोन भैया ने मेरे को बुलाए कि भाभी इधर आ, तो मैं साधारण तौर पे चली गई और वो उन्होंने बंदूक देखा तो मैं पीछे वापस हो गई, तो मैं मेरे ऊपर बंदूक मारा तो मैं बैठ गई, तो वो दुकान के अंदर घुस गई मेरी, तो दोबारा मैं लट्ठ लेके दौड़ी, तब तक फिर वो दौड़ा मेरे पीछे, तो लेडीज थी मैं भाग गई वहाँ। सोन भैया को मारा उन्होंने, दो गोली किसको लगी है? सोन भैया को, वो मेरे को मार रहा था मगर मैं नीचे बैठ गई। क्या नाम है आपको? राधा गुप्ता। रातों में बंदूक लेके दुकान के अंदर आया, चाचा को बोला क्या है सब तुम्हारा माल निकालूं, चाचा ने बोले क्या नाटक है तुमने, हवाई फायर की एकदम से, तो तुम उन्होंने स्क्रू फेंक के मारे, तो लग रहा है बाहर आया, तो चाचा ने बोले पुलिस को फ़ोन लगा, उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस का फ़ोन नहीं लग रहा था शुरू में, फिर बाद में उसने क्या करा, हमारे भाई लोग के ऊपर हवाई फायर किया, फिर हम लोग बच गए, भाभी के ऊपर फायर किया, भाभी बच गई, फिर एकदम गाड़ी लेकर भगने को, तो मैं और आयुष शुक्ला हम लोगों ने उसको पकड़ के लठी लट खूब मारे, तब वो हदमारा हुआ, तब जाके स्थानीय लोग आए, तब जाके वो सरेंडर हो पाया, नहीं तो वो मर जाता था वो, और कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशीष गुप्ता। सर क्या घटनाक्रम था, क्या हुआ? छिंदवाड़ा के थाना कोतवाली के छोटी बाजार इलाके में आज एक घटना हुई है सुबह 10 बजे के आसपास। इसमें एक सिंगल व्यक्ति द्वारा बाइक से आकर, सोहन ताम्रकार जी की दुकान है यहाँ पर, सोना चांदी का सामान वहाँ मिलता है, उनके द्वारा गोली मारी गई है उनको, और ये भी बता रहे हैं कि कुछ जेवरात ले जाने का प्रयास किया गया है, जिसके द्वारा यह घटना की गई है। वो संदेही अब पुलिस की हिरासत में है, वो सभी पूछताछ करके घटनाक्रम का हम पूरा खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से वेपन आया, क्या इसके इरादे थे, क्या उद्देश्य था, ये पूरा विवेचना हम खुलासा करेंगे। अभी प्रयास ये है कि शीघ्र से शीघ्र सोहन जी को अच्छा मेडिकल इलाज किया जाए, जिसके लिए जिला अस्पताल में ऑलरेडी उनको भर्ती कराया जा चुका है, और कोशिश की जा रही है सारे प्रशासन द्वारा कि उनको अच्छा अच्छा इलाज मिले। मीनवाइल पुलिस की पार्टी ऑलरेडी जैसे बताया संदेही से पूछताछ कर रही है, और बहुत जल्द क्या कारण था और क्या घटना करने वाले का उद्देश्य था इसका खुलासा किया जाएगा। सर छिंदवाड़ा में पिछले कुछ दिनों से अवैध हथियारों की बाढ़ आई हुई है, अपराध में अवैध हथियार देखे जा रहे हैं, इस संबंध में मैंने अभी आज ही चार्ज लिया है आज सुबह ही, और इसकी पूरी छानबीन की जाएगी, पब्लिक से फीडबैक लिया जाएगा और ठोस कार्रवाई की जाएगी। सर कितने घायल हैं इस पूरे घटनाक्रम में? इस पूरे घटना में भी एक ही व्यक्ति घायल बता रहे हैं, हमें कुछ चश्मदीद साक्ष्य भी मिले हैं। अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है और उनका भी इलाज जारी है। कितने आरोपी हैं? अभी एक संदेही पुलिस के हिरासत में, और हमारा जहाँ तक हमें पता चला है एक ही व्यक्ति द्वारा घटना को कारित किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्हें चुनाव मोड पर अलर्ट किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव को बहुत कम समय शेष है और भाजपा गले तक भ्रष्टाचार में डूबी है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की बात करती है, आप सभी को भाजपा के झूठ का जवाब देना होगा। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा से पहुंचे विधायकों, पर्यवेक्षक, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी की स्थानीय शहनाई लॉन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, संगठन की मजबूती, प्रत्येक जमीन स्तर के कार्यकर्ता से संगठन मजबूत होता है। ये आपको समझनी है बात कि कैसे उन सब से, सरपंच से तो आपका संवाद हुए, आप उन्हें मिले जुले, पर जो हारे उनसे भी ही मिले जुले कि वो 70% है, जनपद सदस्य भी जो जीतता है कितने वोट से जीतता है, कितने प्रतिशत से जीतता है, जिला पंचायत सदस्य कितने प्रतिशत से जीतता है, और जो हारता है कहते हैं ये तो हारा हुआ है, अगर अपना भी हुआ हम कहते हैं ये हारा हुआ, छोड़े इसे, पर उसने 10-20-15% वोट तो ली, तो इन सब को समेटने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और ये आप ही समेट सकते हैं कि गांव में इसका विवाद होगा, अरे भाई ये खिलाफ में था। एक बात याद रखनी है आपको कि 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले और 1 साल पहले की राजनीति कुछ और थी, आखिरी 8 महीने की राजनीति कुछ और है। यहां जैसे आपने शपथ ली कि सब विवाद से ऊपर उठ गए, आपका कार्य है कि सबको कैसे जोड़े, सबको कैसे जोड़े, ये पुराना विवाद ये होता है, स्वाभाविक है कि कोई किसी से ज्यादा नजदीक होता है, कोई किसी से कम नजदीक होता है, ये तो परिवार में भी होता है, बाप बेटे से ज्यादा या बेटी से ज्यादा नजदीक होता है, बाप बेटी या बेटे से या भतीजे से, पर ये विवाद बन जाए जिससे संगठन को नुकसान पड़े, ये आखिरी 8 महीने की राजनीति बिल्कुल अलग होती है, और यही राजनीति आपको अपनानी है, 8 महीने बाद जो चाहो आप कर लेना,
पर अभी तो जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। ये बहुत आवश्यक है। ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा बिना सबको समेटे, बिना विवाद से ऊपर। अगर आप शादी में अच्छे दिखना चाहते हैं या फिर वर वधु के लिए महंगी एसेसरीज चाहिए तो आपके लिए ये खबर बहुत खास है, क्योंकि शहर के कमानिया गेट इतवारी बाजार में एक नया शोरूम वरपक्ष वधु पक्ष के नाम से शुरू हुआ है। यह नया प्रतिष्ठान एंजल एनएक्स शोरूम वालों का ही नया और अभिनव प्रयास है। आइए देखते हैं ग्लोबल टीवी पर यह खास रिपोर्ट। हमारे अपने शहर छिंदवाड़ा में आज एक नए शोरूम का शुभारंभ हुआ है, जो कि बुधवारी बाजार कमानिया गेट के पास स्थित है। एंजल एनएक्स की ही दूसरी ब्रांच वर एवं वधु पक्ष। यहां पर ब्राइड्स और ग्रूम के लिए बहुत ही प्यारी वैरायटी अवेलेबल है, और ब्राइड के लिए तो लहंगे बहुत ही जानदार एवं शानदार है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या वैरायटी अवेलेबल है। हेलो मैम, व्हाट्स योर गुड नेम मैम? अयबा खान। मैम यहाँ पे आप क्या कलेक्शन देखने हैं, आपको ज्वेलरी, खासकर ज्वेलरी का कलेक्शन कैसा लगा है? बहुत प्यारा है, यहाँ पे सभ्यसाची का पूरा चीज है और लहंगे भी बहुत अच्छे हैं, बाकी सब ठीक है, आइएगा सब। मैं यहाँ पे, मेरे भैया की वेडिंग है, उसकी मैं ब्राइडल बुक करने आई हूँ। यहाँ का जो ड्रेस है काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं जो बहुत अच्छा लगा मुझे। आप अपने लिए क्या लेने आए हैं? जैसे कि आपने तो बता दिया कि आप ब्राइड के लिए यहाँ पे लहंगा लेने आए हैं, आप अपने लिए क्या लेने आए हैं? मैं यहाँ पे अपनी साइड लहंगे की भी बुकिंग करने आई हूँ, और कॉकटेल ड्रेस भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, मैं वो देखने आई हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, प्राइसेस भी रीजनेबल है, बहुत अच्छा कलेक्शन लगता है यहाँ पे। थैंक यू। आपने यहाँ पे क्या वैरायटी देखी है फैंसी ड्रेसेस में, और आप यहाँ पे क्या देखने आए हैं? एक्चुअली मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे लिए मेरी ब्राइड्स का ड्रेसअप बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अब छिंदवाड़ा के हिसाब से मुझे एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया है, मेरे पास था ऑलरेडी, बट अब मोर वेराइटीज आई हैव गॉट, कि मैं अपने ब्राइड्स के लिए ड्रेसेस देख सकती हूँ, खुद से सजेस्ट कर सकती हूँ, और वो लोग पर्सनली भी आके देख सकते हैं, रेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू भैया कि ओपनिंग हुई है, तो यहाँ पे आपको क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ आज हमें ओपनिंग में बुलाया गया, सर्वप्रथम यहाँ तो दुकान का जो उन्होंने नाम रखा है बहुत अच्छा नाम है, और यहाँ वर और वधु के हमने जो सेट देखे बहुत ही यूनिक और सबसे हटके हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं पहले सर्वप्रथम यहाँ आए और अपने चॉइस, बहुत ही हटके है, बहुत अच्छा, मतलब जो रखे लोग कलेक्शन बहुत प्यारा है, और जो रेट है रिजनेबल है। तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे एक बार ज़रूर आके यहाँ देखिए। धन्यवाद मैम। आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो दुकान का नाम रखा है वरपक्ष और वधुपक्ष, ये नाम ही एक यूनिक नाम है, और हर वैरायटी, हर एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी, पूरा नया लगा, और दीदी की पसंद ही इतनी अच्छी है कि तारीफ जितनी करो कम नहीं होगी। धन्यवाद। कस्टमर अपने पे एक बार भरोसा करता है, तो कस्टमर अपने भरोसा 10 साल से कर रहा है, रेट में भी, वैरायटी में भी, कपड़ों में भी और ज्वेलरी में भी। धन्यवाद। आपको वधु पक्ष में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको मेट्रो सिटीज में मिलती हैं, उसी को देखते हुए यहाँ पे ये वो कॉन्सेप्ट पे हमने काम किया है। आपको ड्रेसेस में ये रेंट जोन है पूरा, यहाँ पे आपको लहंगे मिलेंगे बिल्कुल यूनिक से मिलेंगे, और ज्वेलरी में भी बिल्कुल सभ्यसाची टाइप के ही है, यहाँ पे कुंदन में है, पोलकी में है, ये जो भी है ये सब नॉर्मल छिंदवाड़ा में आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ वधु पक्ष में ही मिलेगा। नाम भी हमने बहुत यूनिक सा रखा है वधु पक्ष, तो बिल्कुल आइएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी बहुत कम रेंज में।
और ये वाला पूरा रेंटल जोन है। थैंक यू। वधु पक्ष में बहुत ही खूबसूरत ब्राइड हमारे यहाँ पास चलकर आई है रैंप वॉक करती हुई। आइए इनसे बात करते हैं, इन्होंने क्या फाइनल किया अपनी शादी के लिए। हेलो मैम। हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज अंबिका मोदिया। ओके मैम, आपने अपनी शादी के लिए क्या यह आउटफिट सिलेक्ट किया है और आपको क्या क्या वैरायटी यहाँ पर पसंद आई है? यस, मैंने ये आउटफिट अपने लिए सिलेक्ट किया है बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरे खास दिन पर मैं अच्छी लगूँ। और यहाँ मैंने बहुत सारे आउटफिट्स देखे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। यहाँ के जितने भी आउटफिट्स थे, जितनी भी ज्वेलरीज थी, सारी बहुत अच्छी हैं। और यहाँ मैंने कुछ ज्वेलरी सिलेक्ट की है जो आपकी देख जो आप देख सकते हैं, सब भी सांची पैटर्न से रिलेटेड है। और यहाँ मैं इन आउटफिट्स के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू। और आपने शादी के अलावा अपने मेहंदी हल्दी संगीत वाले दिन के लिए भी यहीं से आउटफिट सिलेक्ट किए हैं। नॉन ब्राइडल की रेंज आपको यहाँ पे कैसी लगी है? मैम, वेराइटीज़ के साथ मैं आपको यही बोलूँगी कि यहाँ जितने भी आउटफिट्स हैं सभी रिजनेबल प्राइजेस में आपको बहुत प्यारी वेराइटीज़ मिलेंगी। और यहाँ मैं सभी ब्राइड्स को सजेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप यहाँ आएँ और अपने खास दिन को और ख़ास बनाएँ। थैंक यू। वेलकम। दर्शकों, आपने देखा अभी यहाँ पर हमने बात की थी वधु पक्ष में बहुत ही खूबसूरत हमारी ब्राइड से, जो बहुत ही सुंदर गेटअप लेकर मौजूद थी। उन्होंने हमको बताया यहाँ पे नॉन ब्राइडल्स, ब्राइडल्स और अदर कॉकटेल पार्टी के लिए भी ड्रेसेस अवेलेबल हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ब्राइडल एंड नॉन ब्राइडल सेक्शन है। मेरे इस साइड बहुत ही प्यारा ब्राइडल सेक्शन है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लहंगे खूब प्यारे प्यारे घेर और कलियों के साथ मौजूद हैं। मेरे इस साइड में नॉन ब्राइडल एंड कॉकटेल पार्टी की रेंज है, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे ड्रेसेस मौजूद हैं। दर्शकों, आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे हमने ब्राइडल से भी अभी बात की थी, उन्होंने बताया और आप सभी को सजेस्ट भी किया कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, अपना शॉपिंग भी करें और यहाँ का एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें कि यहाँ पर कितना वेराइटी है ड्रेसेस का। थैंक यू। जिले के वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय केसरी चंदेल अक्षत जी की स्मृति में उनके जन्मदिन पर आयोजित होने वाला अक्षत सम्मान समारोह रविवार को पेंशनर्स सदन में संपन्न हुआ। यह अक्षत सम्मान समारोह का 13वां वर्ष था। अक्षत जी की गजलों को प्रसिद्ध गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन द्वारा दिए गए स्वर समारोह में आकर्षण का केंद्र रहे। इन गजलों को आमंत्रित दर्शकों के समक्ष सुनाया गया। इस अवसर पर इस साल वरिष्ठ साहित्यकार पंडित राजेंद्र मिश्रा राही को अक्षत साहित्य रत्न सम्मान में नवाजा गया, तो वहीं युवा रंगकर्मी सचिन वर्मा को अक्षत स्मृति रंगकर्म सम्मान दिया गया। इसी क्रम में पटवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष दयाशंकर पटवा को अक्षत स्मृति समाज गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एम के श्रीवास्तव उपस्थित थे। यह कार्यक्रम हर साल अक्षत सम्मान समिति आयोजित करती है जिसमें उनके पुत्र जयेश चंदेल और विश्वेश चंदेल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज जो ये बातें हो रही हैं, आदरणीय कुलपति जी हैं, आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, आदरणीय चाचा जी भैया सचिन भाई सारे लोग, इन्होंने जो कहा है इनका अनुभव ये बार बार आपको नहीं मिलेगा, आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, या तो आपको अनुभव लेना पड़ेगा, उसके लिए आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, इतना सारा अनुभव लेने के लिए आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, या तो आप सुन लीजिए, उनका अनुभव ग्रहण कर लीजिए। इतनी सारी चीजें हुई, शिक्षा और ज्ञान का अंतर, ये सारी चीजें, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और मेरा आप सभी से निवेदन, जिनके मम्मी पापा आज यहाँ पे हैं, आपके साथ हैं, उनसे मेरा यही है कि आप घर जाके अपने मम्मी पापा को आई लव यू जरूर बोलिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जिनके मम्मी पापा जीवित हैं। रविवार को नरसिंहपुर रोड पर लगे होर्डिंग पर एक युवक चढ़ गया और जमकर उत्पात मचाया। उसका कहना था कि उसकी आंखों के इलाज की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे परेशान होकर उसने विरोध का यह रास्ता अपनाया। नरसिंहपुर रोड पर जगन्नाथ स्कूल के पास चूना भट्टा निवासी धमना नाम का युवक विज्ञापन होर्डिंग पर चढ़ गया। यह घटना रविवार शाम को घटी। इतना ही नहीं, युवक हाई टेंशन लाइन को पकड़ने की कोशिश करने लगा। इस बीच थाना कुंडीपुरा पुलिस और धर्म टेकड़ी पुलिस मौके पर पहुंची, बिजली विभाग से संपर्क कर लाइट बंद करवाई गई और युवक को आंखों के इलाज का भरोसा देकर नीचे उतारा गया। बजरंग दल के जिला सह संयोजक ऋषभ तिवारी और क्षेत्रीय निवासी गगन सिंह चौहान ने खास भूमिका निभाते हुए युवक को उतारा।
ठेकेदार के पास में काम करता था मैं, उसके पास से आने उसके हाथ से छेल और चटके मेरे को लगा, मेरे हाथ पे भयंकर जम से लाल हो गई थी। तो उन दिनों 4 दिन इलाज करवाया, उसके बाद मोटे भी हो गया और चित्रकूट की बात आ गई इलाज करने की, तो उनने मना कर दिए करके नहीं करके नहीं करवाएंगे। तो मैंने फिर कल बिजली का वो आने के हमने को बस चेक को पकड़ने की कोशिश कर रहा, उनको भजन घर वाले ये लोगों ने बंद करवा दी लाइट, बस सब मोहल्ले के वासी लोग आए, उन्होंने बोले हम करवाएंगे इलाज, पुलिस वाली भी उन्होंने बोले हम करवाएंगे इलाज, तुम नीचे उतार जाओ। तो मैं उतार गया चक्कर पर, ये लोग के चक्कर इलाज कराने कर गए। मैं ठेकेदार ने बोला था करके रपोन मत डालने, तो बाल मजदूरी का रपो जाने की हमारे पास कायम हो जाएगी, हम तेरा इलाज करवा देंगे। नाम? कारण पार्टी थी। कहाँ रहते हो? जी अपने चूना भट्टा पे, क्लास में। खबरों में वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से, और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5999, आज खरीदें पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से, आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली 32, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ, फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है सिटी हलचल में। रविवार देर शाम पुलिस पेट्रोल पंप के सामने गैरेज में अचानक आग लग गई, इससे गुमथी नुमा गैरेज में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा, स्थानीय लोगों की मदद से जैसे तैसे काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ गैरेज नुमा गुमथी है जिसमें रखा सारा सामान जल गया है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यहाँ जेल बगीचे के जेल कॉम्प्लेक्स के पास पुलिस पेट्रोल पंप के सामने अचानक अंगाल लग गई, लोगों ने फायर ब्रिगेड बुला के आग पे काबू पाया। किसकी दुकान थी? राजेश। क्या काम करते हैं? फोर व्हीलर का मिस्त्री है, फोर व्हीलर का काम करता है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी। कब लगी? ये 1 घंटा हो गया आग लगे। क्या रहा था गुमटी के अंदर? आयल है, मिस्त्री का काम, मिस्त्री गुमटी है, उसमें आयल वायल रहता है, फिल्टर विल्टर रहते हैं, तार वायर रखे थे। क्या नाम है गुमटी वाले का? राजेश पंडा जी। बताइए क्या हुआ आपका नुकसान? बहुत सारा हुआ है, तब गैरेज थी हमारी। गैरेज थी आपकी? ये मोटर गाड़ियों की काम करते थे।
कितना नुकसान हुआ? नुकसान क्या साहब, उसमें परसों दिन आधार कार्ड राशन कार्ड सब लेके आया था, वो भी सब जल गया, और दुकान में तो बहुत कुछ था। फिर भी लगभग कितने का नुकसान हुआ? कितने का बताया था? 1000 का नुकसान हुआ था। ज्यादा का होगा, टायर आयल करीबन करीब 1.5 लाख रुपए का रहा होगा। क्या नाम है आपका? राजेश प्रदीप। जली कैसे दुकान है? 60 सर्किट। 19 जनवरी से शहर में हॉकी सुपर लीग का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को जिला ओलंपिक स्टेडियम में हॉकी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस की उपस्थिति में एक बैठक रखी गई। बैठक में हॉकी संघ के पदाधिकारी सौरभ ठाकुर, नावेद खान सहित सचिव तारिक सिद्दीकी उपस्थित थे। पदाधिकारियों ने प्रतियोगिता को लेकर रूपरेखा बनाई और सुझाव दिए। संघ के सचिव शारिक सिद्दीकी ने बताया कि सभी क्लब हॉकी लीग के लिए 18 जनवरी तक पंजीयन करवा सकेंगे, इसके बाद टीमों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बैठक में जावेद खान, दीपक कुमार, शेख सिराज फरदीन, गुफरान अली सहित हॉकी क्लबों के पदाधिकारी उपस्थित थे। आज जिला हॉकी संघ की बैठक रखी गई है, जिसमें आगामी समय में जिला हॉकी प्रतियोगिता कराने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सभी जो सदस्यगण हैं उन्होंने निर्णय लिया है कि आने वाली 19 तारीख को हॉकी प्रतियोगिता संपन्न कराई जाएगी, जो कि 25 तारीख को इसका समापन होगा। और इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि अभी देखा गया है कि पिछले उसमें कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो इसमें स्ट्रिक्टली सभी को बोल दिया जाएगा, जिसने भी लड़ाई झगड़े किए उसको कम से कम 3 साल के लिए हम लोग बाहर कर देंगे। और दूसरी चीज़, जो भी इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी अपना क्लब, वो अपनी पूरी एक लिस्ट देंगे, पूरी लिस्ट देंगे, और दूसरा खिलाड़ी उसमें खेलने नहीं चाहिए, ना बाहर का कोई खिलाड़ी खेलेगा। अगर बाहर का कोई खिलाड़ी अगर खेलता है तो पूरी टीम को उसमें ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको टूर्नामेंट में नहीं खेला जाएगा, और बाद में उस पर कार्रवाई की जाएगी कि आगे कुछ सालों तक भी वो ना खेले। तो इस बार थोड़ी कड़ाई से ऐसे लिया जाएगा। जो भी क्या कहते हैं उसको संघ इसमें इस प्रकार की करेगा लड़ाई झगड़े वो भी, तो उसको परमानेंट जिला हॉकी संघ से निष्कासित किया जाएगा। और इस बार हमने थोड़ी पुलिस व्यवस्था की भी व्यवस्था की है कि पुलिस ग्राउंड में हो रहा है, तो हम पुलिस विभाग से मांग करेंगे कि हमें थोड़ी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करें, और आगे जितने भी इसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि पिछले बार ही बोला गया था कि स्टेट टूर्नामेंट कराया जाएगा, तो इसी चलते इसमें बैठक ली जाएगी, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आगे स्टेट टूर्नामेंट अगर कराते हैं तो उसमें इसी के आगे स्टेट टूर्नामेंट हम आगे कराएंगे। संक्रांत के दौरान शहर में जगह जगह पतंग उत्सव की धूम रही। इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय विचार मंच ने पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 268 पतंगबाजों ने हिस्सा लिया। पतंग प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने किया। वहीं मुख्य संरक्षक शिव मालवीय ने पतंग उड़ाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय विचार मंच द्वारा सबसे ज्यादा पतंग काटने वालों को पुरस्कृत किया गया। हमारे सनी मालवी से निवेदन करूंगा कि वे जाए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय चौधरी चंद्रमान जी का स्वागत करें। सनी मालवी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में और आज हिंदू सनातन धर्म का मुख्य त्यौहार मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा भव्य पतंग प्रतियोगिता यहाँ श्री दादाजी धुनीवाले मंदिर के बाजू वाले ग्राउंड में आज आयोजित की गई थी। यहाँ राष्ट्रीय विचार मंच के द्वारा आयोजित पहला पतंग प्रतियोगिता कार्यक्रम था। आने वाले समय में और इसको भव्यता प्रदान करने के लिए और अच्छे पारितोषिक नगद राशि का पारितोषिक वितरण किया जाएगा। प्रथम वर्ष में ही
काफी लोगों ने आज इसका लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में परिवार के साथ महिलाएं भी सम्मिलित हुई, बच्चों के साथ सभी युवाओं ने, बुजुर्गों ने आज का यह पतंग प्रतियोगिता का उत्सव को का पूरा जश्न मनाया। और मैं नगर वासियों को, शहर वासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं, और आने वाले वर्षों में इन आयोजन में और बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लें, बस इसी शुभकामनाओं के साथ भारत माता की जय। कुंभकार समाज के अध्यक्ष पद के लिए होने जा रहे चुनाव में युवा वर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। सोमवार को युवा शीतल मालवीय ने समाज के अध्यक्ष पद हेतु अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य कुंभकार समाज को एक नई दिशा देना है, जिससे समाज शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर मजबूती से खड़ा हो सके। शीतल मालवीय का कहना है कि अगर उन्हें नई जिम्मेदारी मिलती है तो वह पूरी निष्ठा के साथ इसे निभाएंगे। कुंभकार समाज के चुनाव में अध्यक्ष पद हेतु दावेदारी पेश करने जा रहे हैं, और इसमें जो भी अभी तक जो पुराने सीनियर लोग रहे हैं उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया उसको और बढ़ाते हुए और अच्छे स्तर में ले जाने के लिए, कुम्हार समाज को और अच्छे स्तर में ले जाने के लिए, शिक्षा से संबंधित और जो भी व्यापार व्यवसाय से संबंधित जो भी चीज़ें हैं हमारे व्यवसाय में या हमारे समाज में, उसको और ऊपर उच्च स्तर तक ले जाने के लिए मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। और कितने लोग खड़े हुए? और अभी तो किसी का पता नहीं है, दावेदारी अभी फिलहाल मेरी हो रही है। क्या नाम है? शीतल मालवीय। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला इकाई ने रविवार को शाम वार्षिक स्नेह सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें शहर के डॉक्टर, उनके परिवार एवं आईएमए से जुड़े सदस्य शामिल हुए। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को साल 2023 की शुभकामनाएं दी, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न मनोरंजक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन ने सोमवार को जिले भर में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर शीतला पटले की उपस्थिति में शासन द्वारा जिले में संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हुई, साथ ही समय अवधि तय की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम एवं एसडीएम सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। ऑफिस ऑफिस में बैठ रहे हैं कि बिल्कुल घूमने फिरने का ही काम चल रहा है अपना? हाँ प्लीज देखिए सारे मैटर जो आपके पास है, क्या हर रही मेंबर वाला दोनों आपके पास है? मैं देख तो अपना रिओर्गेनाइजेशन करो। वार्ड नंबर 2 ग्राम उमरी कला नगर पालिका हर रही में विस्तार से चाहिए तो तारा निर्माण
2021 का है, तीसरे महीने का। पिछले दिनों लोहड़ी का पर्व शहर में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें पंजाबी समाज के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोहड़ी पंजाब का एक मुख्य त्यौहार है, जिसे पंजाबी समाज बड़े उत्साह से मनाता है। लोहड़ी में विविध सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जैन दर्शन पर आधारित वार्षिक परीक्षा का आयोजन गोलगंज स्थित स्वाध्याय भवन में किया गया, जिसमें 108 विद्यार्थियों ने यह परीक्षा दी। गौरतलब है कि स्वाध्याय भवन में ही मुमुक्षु मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा वितराग विज्ञान पाठशाला का संचालन किया जाता है, जिसके तहत जैन दर्शन और नैतिक शिक्षा शामिल होती है। इसी पर आधारित वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में फेडरेशन के सचिव दीपक राज जैन, संचालिका वर्षा पाटनी, स्नेहा पाटनी, आर्य जैन एवं भावना जैन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित हमारा वितराग विज्ञान पाठशाला के बच्चों ने आज स्वाध्याय भवन में अपनी परीक्षा दी। हमारे वर्ष भर जैन दर्शन के सिद्धांतों को यहाँ पर वर्षा पाटनी जी, स्नेहा पाटनी जी हैं, आर्या जी हैं, भावना हैं और साथ में और भी हमारे बच्चे हैं जो पाठशाला के बच्चों को संस्कारित करते हैं। आज उनकी फाइनल परीक्षा हुई, जो कि टोडरमल स्मारक जयपुर से इनके पेपर आए हैं और लगभग 108 बच्चों ने बालबोध 1, 2, 3, 4 और वितराग 1, 2, 3 की परीक्षा दी है। मैं सकल जैन समाज के साथ मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से इनके तमाम गुरुजन जो साल भर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं और भक्त से भगवान बनाने के साथ में शाकाहार सदाचार, जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांत, नैतिक शिक्षा और बहुत सारी ऐसी चीज़ सिखाते हैं जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल हो। ये हमारे बच्चे जैन दर्शन के साथ माँ भारती की सेवा करते रहें, इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने आज बच्चों की परीक्षा ली। मैं उन्हें सकल जैन समाज की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, ताकि ये बच्चों को आने वाले भविष्य के लिए भक्त नहीं भगवान बनने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें आप सभी को वितराग विज्ञान पाठशाला, मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और सर्वोदय अहिंसा की ओर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो थी आज की तमाम खबरें। आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर फिर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक रीसेंट एडवांस डेंटल केयर खजरी रोड छिंदवाड़ा, रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा, लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अमेरिका दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। शहर के मेन रोड में ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े लूट की कोशिश, लुटेरे ने किए 5 फायर, दुकानदार गंभीर रूप से घायल। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा चुनाव आ गए हैं नजदीक, भाजपा के हर झूठ का जवाब देना होगा। अब शादियों की ए टू जेड एसेसरीज मिल सकेंगी एक ही छत के नीचे, शहर में खुला वर पक्ष वधु पक्ष शोरूम, देखिए ग्लोबल टीवी की खास रिपोर्ट। और रविवार को शहर में हुआ अक्षत सम्मान समारोह, अपने क्षेत्र में नाम रोशन करने वाली विभूतियों का हुआ सम्मान। सिटी हलचल के आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।